तो दोस्तों, हमने जो लास्ट वीडियो में बात की थी, हमारा जो थर्ड पार्ट था, ये फोर्थ पार्ट है। इसमें हम आपको कुछ छोटी छोटी चीज़ क्लियर कर दे रहे हैं ताकि आपको काफ़ी सारी चीज़ आप समझ में जाए। सबसे पहली चीज़ ये कि उस टाइम मैंने आपसे कहा था कि आप एडसेंस अकाउंट को क्यों प्रेफरेंस नहीं देते, क्योंकि मैं अब आपको बता रहा हूँ चीज़ की रियलिटी क्या है। एक्चुअली जब आप एडसेंस अकाउंट का यूज़ करते हैं तो उस टाइम आपको डोमेन नेम चाहिए और डोमेन नेम खरीदने के लिए पैसे लगते हैं। तो पैसे अगर आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि फिर आपको अगर वहाँ पर ट्रैफिक नहीं मिला या फिर किसी तरह का आपका रेवेन्यू नहीं जनरेट हुआ तो फिर वहाँ पर आपको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है, लॉस सीधा होगा आपको, सीधा सा कहा जाए तो। इसलिए मैं आपको वहाँ पर यही प्रिफेयर ही नहीं करूँगा कि आपको बहुत सारी वीडियोस आपको मिलेंगी इंटरनेट में, इसमें ये रहता है कि आप एडसेंस यूज़ कीजिए, ऐसा कीजिए, वैसा कीजिए। तो मैं आपको सीधा बोलूँ, ऐसा कुछ मत कीजिए। मेरे को आज इस चीज़ का 8 से 10 साल का एक्सपीरियंस है। सीधा सा आप सिंपल सा प्लेटफॉर्म उठाइए जहाँ पर आपको किसी भी तरह का डोमेन नेम नहीं, कुछ नहीं लेना पड़ता। अपना सिंपल सा कंटेंट तैयार कीजिए, उस पर अपना एड कंटेंट लगाइए और सीधा अपने ट्रैफिक को रन कीजिए। समझ में आया आपको? ज़्यादा यहाँ वहाँ आप सोचेंगे, यहाँ वहाँ दिमाग लगाएंगे, इंटरनेट में और भी बहुत सारी चीज़ ढूंढेंगे, लास्ट में आपको कुछ नहीं समझ में आने वाला। क्योंकि आपको ये चीज़ पता है कि जब आप पैसा फेंकेंगे तभी आपका आपको तमाशा देखने मिलेगा इंटरनेट में। इसमें बहुत ज़्यादा मतलब एक तरह से ट्रैफिक बढ़ चुका है, लोग बहुत ज़्यादा यहाँ पे डेवलपर्स आ चुके हैं, अपलोडर्स आ चुके हैं, तो सबके पास पहले से बना हुआ ट्रैफिक है, तो आपके पास लोग आएंगे ही क्यों। तो इसी चीज़ के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि आप ऐसा काम कीजिए कि आपके पैसे भी खर्च ना हो, आपको प्रॉब्लम भी ना हो, आपको सक्सेस भी जल्दी मतलब टाइम से मिल जाए। ये तो नहीं बोल सकता कि मैं आपको फुल सक्सेस आपको मिलेगा इस वीडियोस को देखकर, अगर ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, बट ये कि आपको हद तक आपको काफ़ी सारी चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। तो अब हम चलते हैं आगे की तरफ। इस वीडियो में आज हम कवर करने जा रहे हैं, सबसे पहले आप मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि अगर ना किए हो तो आप जरूर कर लीजिए। सबसे पहले आज हम कवर करने जा रहे हैं कि आपको कैसे ये पता चलेगा कि आपकी वेबसाइट सही से काम कर रही है कि नहीं, आपकी इस वेबसाइट सही से वहाँ पर प्रोसेस कर रही है कि नहीं। तो आप ये ट्रबल शूटर देख रहे हैं, यहाँ पर ट्रबल शूटर ऑप्शन पर आप क्लिक कीजिए, यहाँ पर अपनी वेबसाइट का नाम डालिए। फॉर द एग्जाम्पल, अगर मैं अपनी वेबसाइट का नाम डालूँ यहाँ पर, तो ये देखिए मैं आपको यहाँ पर डाल के बता रहा हूँ, कोरोना वायरस टेस्ट सेंटर्स डॉट ब्लॉग स्पॉट डॉट कॉम। अब मैं चेक करता हूँ इसको। तो ये देखिए, जैसे मैंने चेक किया तो यहाँ पे आपको दिख रहा है एवरीथिंग सीम टू बी इन द ऑर्डर, मतलब ये परफेक्ट चल रही है, यहाँ पे किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, सही तरह से एड्स आ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये टर्बो सूट का मतलब ये होता है कि आप अपनी वेबसाइट को चेक कर सकते हैं कि सही तरह से परफॉर्म कर रही है कि नहीं। तो ये चीज़ भी ये सिस्टम देकर रखा है पॉप एड्स में, इसलिए मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है ये पॉप एड्स कंपेयर विथ ऑल एडवर्टाइजमेंट के मतलब प्लेटफॉर्म के अलावा, क्योंकि काफ़ी बेस्ट परफॉर्म करता है। उसके बाद आपको यहाँ पर एक चीज़ और बताऊँ कि इस वीडियो में छोटी सी चीज़ मैं कवर कर रहा हूँ, ये होता है डैशबोर्ड। इसमें आपको पैसे कैसे निकालने हैं वो भी मैं बता रहा हूँ आपको। आपको जाना है किसमें, बिलिंग सिस्टम में, और बिलिंग सिस्टम में जाने के बाद आपको अपनी पहले प्रोफाइल कंप्लीट करनी है और यहाँ पे आपको विड्रॉल कर लेना है जब आपका $5 हो जाएगा तब, ठीक है। अगर $5 नहीं होता तो आपका पैसे नहीं निकलेंगे, आपके पेपल अकाउंट पियोनीर अकाउंट में नहीं आएंगे। तो आपके लिए सबसे पहले पेपल अकाउंट होना चाहिए, पेपल अकाउंट आप बना सकते हैं बहुत ईजिली। और पेपल अकाउंट बनाने के लिए शायद मेरे इस चैनल में कहीं पर वीडियोज़ पड़ी है, बहुत नीचे आपको ड्रैग करना पड़ेगा उसके लिए, आप चाहें तो वहां से जाके देख सकते हैं। बट आपको अगर चाहें तो आप, मैं आपको सीधा बताऊं कि आप यहां पे विड्रॉल का ऑप्शन यहां पे क्लिक कीजिएगा, पेपल अकाउंट बनने के बाद आपके $5 जैसे ही पहुंचते हैं आप विड्रॉल कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड चीज़, अब मैं आपको एक चीज़ और यहाँ पे कंफर्म कर दूँ कि जैसे कि अगर आप अर्निंग करना चालू कर दिए, ठीक है, आपके पास अर्निंग आने लगी, तो आपको करना क्या है, आपको अपना पेपल अकाउंट में ही आपको पैसे को विड्रॉल कराना है। पेपल अकाउंट क्यों ज़रूरी है मैं भी आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। अब समझिएगा सीधा सा यहाँ पे कि अगर आप जैसे कि अपने यहाँ गवर्नमेंट जो बैंक्स चलाते हैं ये डायरेक्ट कनेक्ट नहीं रहते हैं, क्योंकि ये जो वेबसाइट्स होती हैं ये बाहर की वेबसाइट्स होती हैं, मतलब आउटसाइड द इंडिया। तो जब आउटसाइड से इंडिया से जब पैसे आते हैं तो आपके लिए उसके लिए प्रूफ आइडेंटिफिकेशन मांगा जाता है। इस बीच अपन क्या करते हैं, पेपल का इस्तेमाल करते हैं। पेपल अकाउंट एक इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे है जो कि बहुत बेहतरीन चीज़ है और बहुत ही अच्छा है, और हम उसको यूज़ करके हम आपस में अपना इंडियन बैंक अकाउंट उसमें कनेक्ट करते हैं, और उसी में जब पैसा आ जाता है तो उसी अकाउंट से हम अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉल कर लेते हैं। ये एक्चुअली प्रोसेस है इसका। तो अगर आपको इस बीच में भी कहीं अगर प्रॉब्लम आएगी, किसी से कोई क्वेरी रिलेटेड रहेगी, तो आप मेरे को नीचे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मैंने सब चीज़ को काफ़ी सारी चीज़ उसमें कवर की है। अब जैसे एडस्टेरा की बात करूँ तो एडस्टेरा में आप पेमेंट में आएंगे, पेमेंट आने के बाद यहाँ पर आप देखिए काफ़ी सारी चीज़ यहाँ पर दी गई है। यहाँ पे मैं ऐड कर चुका हूँ, आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के लिए आपको जाना पड़ेगा कहाँ पे, अपने प्रोफाइल में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पेपल ही मैं क्यों सजेस्ट करता हूँ, क्योंकि पेपल चार्जेस 2-5% पे आउट, ठीक है। सबसे बेस्ट चीज़ ये है पेपल के लिए, आप मिनिमम पे आउट यहाँ पे कितना है, $100।
वेब मनी के लिए $5 और मिनिमम पे आउट के लिए $1,000। इसीलिए यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, जैसे कि मैं एडस्टेरा का यूज़ इसलिए कम करता ही नहीं हूँ एक तरह से, क्योंकि यहाँ पे जो थ्रेशोल्ड वैल्यू होती है, जब आपका इतना पैसा पहुँचेगा तभी आपका विड्रॉल होगा, इसीलिए मैं इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता, क्योंकि मुझे मतलब उतना पैसा नहीं अर्न कर पाऊँगा और मुझे उतना विड्रॉल मैं नहीं कर पाऊँगा तो मेरा टाइम भी जाएगा, इसीलिए मैं ऐसा काम ही नहीं करता कि इसका मेरे को दिक्कत फेस करना पड़े। इसलिए मैं पॉप अप एड्स को ज़्यादा प्रीफर करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे $5 हुआ, आप यहाँ पे विड्रॉल कर सकते हैं, ये एक बेस्ट तरीका है। इसीलिए मैं काफ़ी जगह आपको बोला हूँ कि एड्सटेरा से अगर कंपेयर करें पॉप एड्स को, तो पॉप एड्स काफ़ी बेहतर है। तो इस चीज़ को आपको क्लियर हुआ? ओके, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। और अगली वीडियो जो रहेगी 5th पार्ट की, वो लास्ट वीडियो रहेगी, उसके बाद हम आपको केवल आपकी क्वेरीज को जस्टिफाई करेंगे जो आपके द्वारा दी जाएगी। ओके, तब तक दीजिए इजाज़त, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।